वैसे तो आपने बहुत सारी बिरयानी और हलीम आपने खाए होंगे, लेकिन हम आपको आज लेके जा रहे हैं कराची की फेमस हलीम और बिरयानी। जी हाँ, ये वही हलीम बिरयानी है जो कि हर रमज़ान में शहर कराची में पान मंडी फूड स्ट्रीट पे लगती है, और इसके लिए इसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। इन फूड स्टॉल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं, और ये स्ट्रीट कब से स्टार्ट होती है, कितने बजे से स्टार्ट होती है, और ये कब तक रहती है, और स्पेशली रमज़ान में कब तक होती है, तो यही इसमें आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी हम जिस फूड स्टॉल पे विज़िट कर रहे हैं वो है रेहान शिकरा हलीम एंड बिरयानी वाला, जो कि हर रमज़ान में हर साल 1990 से बैठते हैं यहाँ पे और बहुत फेमस हैं। तो उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं, वो क्या बताते हैं अपने बारे में। हम लोग माशाल्लाह 1990 से लगा रहे हैं, अल्लाह की रहमत है, और ये हमारा समझ लो इंडिया से चलता हुआ आ रहा है। जबरदस्त समझ ले, पर दादा दादा अब मेरे वाली साहब, अब मैं हूँ यहाँ पर, समझ ले ये चल रहे सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह से। पर हमारी बेसिक टाइमिंग है 5:30 बजे लगाते हैं रोजे से पहले, और तकरीबन शहरी तक होते हैं 3:30-4 बजे तक होते हैं, और रेट भी इसके मुनासिब रेट हैं। यहाँ पर ज़ाफ़रानी बिरयानी है, ये हलीम बिरयानी मिक्स मिलेगी आपको 250 रुपये की, बिल्कुल अगर पार्सल में लेंगे वो ये मिलेगी आपको 300 रुपये की। हलीम अलग ले रहे हैं, बिरयानी अलग ले रहे हैं, तो ये 350 रुपये का एक सेट है। बीफ बिरयानी होती है, हम लोग अपना गोश्त काटते हैं, अपनी बछियाएँ काटते हैं, और बीफ का ही हलीम होता है। मंगल बुध वाले दिन थोड़ा लोगों की फरमाइश थी तो हम लोग चिकन भी रख लेते हैं। और यहाँ का जो मैं आपको एड्रेस बता दूँ, बाद लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं, और एक ये स्टाल है, ये मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि कराची में हमारा स्टाल लगा हुआ है। कराची में मेन ये सिटी कोर्ट है, बड़ा मशहूर है, यहाँ पर अल नूर राइस वाला है, न्यू शाली पर मशहूर है बहुत। अल नूर राइस से वहीं थोड़ा सा आप आगे आएंगे पान मंडी है, पान मंडी पर ही ये स्टॉल लगा हुआ है। आगे थोड़ा उससे आगे आएंगे निगार सेलमा भी है, यहाँ पर आप किसी से ही मालूम करेंगे इजली आपको पता मिल जाएगा यहाँ का। तो भाई यहाँ पे जो है देखें आप, रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से लोगों की, यार काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और ये फूड स्ट्रीट है पूरी यहाँ पे चल रही है भाई यहाँ पे। तो फिर जनाब हम आपको रिव्यू देते हैं कि यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं वो उनके तासरात क्या हैं, वो क्या बताते हैं। कहाँ से? ताई रोड से आ रहे हैं आप? क्या भाई, यानी काफ़ी दूर है वहाँ के। तो कब से आप पहले से आ रहे हैं? अभी फर्स्ट टाइम आए। तो कैसा लगा आपको ये? थोड़ा मुख्तलिफ है, टेस्ट अच्छा है, फिर अच्छा है, चले भाई ज़बरदस्त। रमजान में आते हैं आप? 3-4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस इलाके के? क्लिफ्टन से आते हैं आप लोग भाई। और ये इनके क्या इनके पसंद है आपको, हलीम या बिरयानी वगैरह क्या? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ये डिफरेंट इनका कंपोजर है जो आम दिनों में मिलता नहीं है, तो रमजान में हम लोग रमजान की रौनक है, रमजान की रौनक है। अच्छा भाई मेरे साथ, मैं जो हूँ, हमारा ऑर्डर जो है डिलीवर हो गया है यहाँ पे, मेरे साथ मौजूद है भाई मास भाई जो कि स्टार्ट हो गए पहले से, और इनको लग रहा है काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। क्यों भाई मास भाई? जबरदस्त है, जबरदस्त है, ऐसे नहीं खाई मैंने, ऐसे नहीं। अच्छा तो भाई हम सहरी का जो मज़ा है ना, वो यानी कि सहरी जो होती है कराची में, आप देखें कितना रश है यार इस टाइम माशाल्लाह से, और उसके साथ देखें यहाँ पे फिर ये हलीम बिरयानी आप खाएंगे तो भाई मज़ा ही कुछ और है। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करेंगे और आपको खा के भी दिखाएंगे। आप हैं हलीम और बिरयानी, तो इसमें आप देखें इसमें बीफ बिरयानी है जो कि बिल्कुल ज़ाफ़रानी बिरयानी कहलाती है, और ये हलीम है, उसको हम टेस्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि बिरयानी और देखें हलीम जो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन हम खा के दिखाते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट तो बढ़िया है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इनके जो राइस हैं और इनका हलीम है, अगर हम मिला के खा रहे हैं तो भाई इसका टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा आ रहा है, मसाले वगैरह तमाम चीज़ें ओके हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा लगा मुझे, बहुत टेस्टी हलीम है यार, और इसका जायका मुझे अच्छा लगा। अगर मैं आप इसकी रेटिंग की बात करें तो आप 10 में से तो 8 नंबर तो हैं इसके, और आप लोग आएँ रमज़ान अभी चल रहे हैं, रमज़ान है सहरी तक होते हैं यहाँ पे, लेट नाइट्स यहाँ पे आप रश था देख लिया होगा, और इनका एड्रेस भी उन्हें कंफर्म कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। माज भाई क्या बोलेंगे भाई आप? ज़बरदस्त थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन ये कि नो डाउट
वास्तव में हमारे जो है नाजामाबाद में भी बहुत अच्छी हलीम पुलाव, हलीम बिरयानी, हलीम पुलाव लेकिन बेस्ट है, लेकिन ये नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा भाई यहाँ पे देखें और फूड स्ट्रीट्स के ऊपर ना काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिमका ड्रिंक है और दे रहे हैं आप यहाँ पे ये मालपुरा मीठा पराठा। अच्छा मालपुरा है ये वही मालपुरा है जो कि हुसैनाबाद में भी बड़ा मशहूर है, वही है ना ये? तो ये साल में रमजान में लगाते हैं या वैसे होते हैं आप यहाँ? नहीं भाई होते हैं आप। मालपुरा कितने का है वैसे? 140 रुपए का पाव मलाई के साथ, 180 रुपए। 140 रुपए का मलाई के साथ, 180 रुपए का। ठीक है भाई, कम चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, डब्बी अलग से होती है मलाई। तो भाई अगर यहाँ पे आप लोग आए तो भाई ये भाई जो है मालपुरा रमजान के अलावा भी होते हैं तो उनसे आप यहाँ पे आप ले सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस हैं, प्राइस भी रिजनेबल प्राइस होते हैं सारे। बिल्कुल भैया भाई यहाँ पे मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं रात में भाई। और ये देखें आप कितने की प्लेट है भाई इसकी? 150 रुपए की। देखिए भाई ये इनकी प्रेजेंटेशन है और 150 रुपए की प्लेट है खाली, बेहतरीन। अच्छा भाई यहाँ पे इसी रॉ पे हम जाते हैं आगे तो यहाँ पे हलवा पूरी भले भी बैठे हुए यहाँ पे। ये भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करियर से? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है सर। इमरान नाम है, तो यहाँ पे आप होते हैं काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, अभी रमजानों में होते हैं आप? सर मैं बहुत पुराना हूँ रमजानों में, खुशी यहाँ पर। रमजान में होते हैं वैसे या वैसे भी होते हैं अभी यहाँ? नहीं सिर्फ रमजानों में। रमजानों में होते हैं? जी जी। तो कोई स्पेशल पूरी है? कब से बैठ रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन कुछ नहीं तो 25-26 साल हो गए। अच्छा 25-26 साल हो गए। जी जी। कोई फूड स्ट्रीट की कोई खास बात है कि यहाँ पे सब लोग रमजानों में आते हैं? यहाँ पे सिर्फ रमजानों में ही आते हैं। रमजानों में आते हैं? जी जी। काफ़ी रश भी देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, आपका यहाँ पे रश है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके आया है यहाँ पे पान मंडी में, आज आप हमको दिखाया है यहाँ पे हलीम और बिरयानी के हवाले से। मेरे साथ माज भी मौजूद है, माज भाई ने भी यहाँ पे टेस्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप आ सकते हैं रात में, यहाँ पे सहरी के तक यहाँ पे जो होता है रश होता है, ऐसी रश मिलेगा आपको सिर्फ रमज़ानों में। ये रमज़ान की रौनकें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।